आज हम अपना लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं, ठीक है। लेक्चर के लिए हमने कंपोनेंट के बारे में पढ़ लिया। नाउ आज का लेक्चर जो लेक्चर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 10th बेसिस से भी, 10th बेसिस से तो ऑब्वियसली है, यहां से क्वेश्चन पक्का 4 नंबर या 5 नंबर का आएगा एग्जाम के अंदर, आपके बोर्ड के अंदर, ठीक है। उसके अलावा जहां भी कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हो, कुछ भी एनटीएससी या कोई भी एग्जाम दे लो, उसके अंदर पक्का इससे रिलेटेड क्वेश्चन होता है। आपको अगर आगे फिजिक्स पढ़नी है 11th में 12th में तो भी ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हर जगह ये चैप्टर हमारा यूज होगा, ये टॉपिक यूज होगा, ठीक है। दैट इज ओम्स लॉ, ठीक है, ओम्स लॉ, ठीक है। तो ओम्स लॉ इज बेसिकली अ लॉ, ठीक है। व्हाट इज ओम्स लॉ, ठीक है, तो आपको लिखना है लिख लो, ठीक है, बाद में लिख देना आपको। बेसिकली ओम्स लॉ स्टेट्स दैट, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट, इट स्टेट्स दैट the current flown in a circuit is directly proportional to the voltage applied in या फिर across the circuit, ठीक है। मैंने क्या लिखा कि the current flow in the circuit is directly proportional to the voltage applied across the circuit, ठीक है। circuit के across में, circuit में जो voltage apply करी गई है उसके directly proportional होता है current। समय बाद मैं सर्किट के संदर्भ में बोल रहा हूँ, सर्किट की टर्म्स में बोल रहा हूँ, तो हम सर्किट बोल रहे हैं यहाँ पर। अगर मैं किसी कंपोनेंट को बोलूँ तो उसमें भी सेम केस होगा। कैसे बना लिखा था हूँ, पहले मैथमेटिकली लिख लेते हैं। मैथमेटिकली दैट इज, ठीक है, मैथमेटिकली क्या होता है, मैथमेटिकली हो जाएगा अपना वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, है ना। ये स्मॉल आई लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसकी कुछ कंडीशंस भी होती हैं, बट अभी ये लेवल पे आपको जरूरत नहीं है उस कंडीशन को जानने की, ठीक है। ये सीधा आप 12th में समझेंगे कि इसकी क्या कंडीशन, क्यों कंडीशन है, कभी कभी फेल भी होता है, ठीक है। बट अभी के लिए आपके लिए प्रॉपर ठीक है, ठीक है, प्रॉपर ठीक है, ठीक है। तो वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, जैसे कि एक सर्किट बनाऊंगा सिंपल सा, ये बैटरी बनाई नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसे करके बैटरी बनाई, ऐसे रेजिस्टेंस लगाया, ठीक है। और रेजिस्टर क्या होता है ये भी समझाता हूँ, करंट फ्लो वाला एसेट इस डायरेक्शन में, तो जो करंट बन रहा है ना इस सर्किट में, जितना भी करंट बनेगा, अगर मैं इस वोल्टेज को बढ़ा दूं तो ये करंट बढ़ जाएगा, वोल्टेज को घटा दूं तो ये करंट घट जाएगा। समय बाद अगर मैं वोल्टेज को बढ़ा दूंगा तो करंट भी बढ़ जाएगा, और वोल्टेज को घटा दूंगा तो करंट भी घट जाएगा, विच शोज दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हमें यही शो करता है कि अगर मैं वोल्टेज बढ़ा दूंगा तो करंट बढ़ जाएगा, वोल्टेज घटा दूंगा तो करंट घट जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन मतलब कि डायरेक्टली डिपेंड करता है आई वी के ऊपर। ऐसा मत बोलना कि आई बढ़ा दूं तो वोल्टेज बढ़ेगी क्या, नहीं, आप आई बढ़ा ही नहीं सकते बिना वोल्टेज बढ़ाए, ठीक है। एक केस है जिससे आप बढ़ा सकते हो, बट वैसे बढ़ने पर वोल्टेज नहीं बढ़ती, ठीक है। अच्छा, ये हुआ सर्किट के केस में। एक होता है ऐसे, अगर मैं किसी कॉम्पोनेंट की बात करूं, जैसे मान लो एक बल्ब लगाया मैंने, ठीक है, बल्ब लगाया, इस बल्ब के अक्रॉस यहां पर मैंने दो टर्मिनल ले लिए, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ठीक है। तो इनके बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस बनना होगा, यहाँ पर वी बी, यहाँ पर वी है, मैंने बताया था वी बी माइनस वी ए इज पोटेंशियल डिफरेंस, तो वी बी माइनस वी अगर हो तो पोटेंशियल डिफरेंस है इसका मतलब यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसका मतलब करंट भी डेवलप हो रहा होगा, तो अगर मैं ये पोटेंशियल डिफरेंसेस बढ़ा दूंगा, ठीक है, तो ये करंट जो है वो बढ़ जाएगा, जो इसके अंदर करंट आ रहा होगा, मान लो ऐसे आ रहा है तो करंट बढ़ जाएगा, मतलब ज्यादा तेज ग्लो होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस घटा दूंगा तो ये कम ग्लो होगा, ठीक है। ऐसे कॉम्पोनेंट में भी देख सकते हैं, सिंपल है। अच्छा, अब इसे सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल वाले को सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब उधर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल साइन आने के कुछ कांस्टेंट आता है, और यहां पर कांस्टेंट आता है जो हम लास्ट वीडियो से बात कर रहे हैं, दैट इज इक्वल्स टू आर, ठीक है, अभी तो है ये, ठीक है। दिस इज बेसिकली ओम्स इक्वेशन, एक ओम्स फॉर्मूला बोल लो, ठीक है, वी इक्वल्स टू आई आर, वेयर व्हाट इज आर, तो आर इज बेसिकली रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर,
कंडक्टर का रेजिस्टेंस, ठीक है, कंडक्टर का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस रेजिस्टेंस, ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज बेसिकली, मैंने आपको पिछली बार भी लास्ट वीडियो में समझाया था कि व्हाट इज रेजिस्टेंस, अब जब अच्छे समझ आएगा कि रेजिस्टेंस इज बेसिकली द प्रॉपर्टी किसी कंपोनेंट की, कोई कंपोनेंट है रेजिस्टर नाम का, रेजिस्टर नाम कोई कंपोनेंट है, उसकी प्रॉपर्टी के वो करंट को कितना अपोज कर सकता है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। एक कंपोनेंट है रेजिस्टर, उसकी प्रॉपर्टी के वो करंट को किस सर्किट में कितना अपोज कर सकता है, दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इसकी जरूरत क्या है, हमें हम क्यों लगा रहे हैं भाई, करंट फ्लो हो रहा है हमें तो हमें हमारा क्या जा रहा है, ठीक है। दिक्कत ये है कि अगर मान लो आपके पास आपका फोन है, ठीक है, उस फोन के मतलब डायरेक्ट मैं मान लो वोल्टेज देता हूँ, है ना, तो 40 वोल्ट दे दिया, आपको पता है आपका फोन कितनी बैटरी पे चलता है ना, 3 वोल्ट की बैटरी होती है मैक्सिमम, ठीक है, 3 वोल्ट, और 18 वाट का चार्जर होता है आपका, 18 वाट या 16 वाट ऐसे कुछ वाट, ठीक है, और आपकी जो बैटरी होती है 3 वोल्ट की होती है, 3 वोल्ट, अगर आप बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे जाते हो तो 12 वोल्ट की भी बैटरी आपको बहुत ही मुश्किल लगेगी किसी डिवाइस के अंदर जो हम यूज करते हैं, क्यों क्यों, क्योंकि 12 वोल्ट बहुत ज्यादा होता है, 3 वोल्ट बहुत ज्यादा होता है, 3 वोल्ट पे आप देख लो आपका फोन कितना हीटअप कर जाता है। तो ये चीज हमारा डेली लाइफ से रिलेटेड है, दैट्स व्हाई हम इसे समझ रहे हैं कि हमें क्यों रेजिस्टेंस लगाने की जरूरत है। तो वोल्टेज हमने दे दी, तो वोल्टेज की वजह से क्या होगा, जैसे मैंने बताया ओम्स लॉ से वोल्टेज बढ़ेगी तो करंट बढ़ जाएगा, तो उससे क्या हुआ भाई, करंट बढ़ेगा तो उसके बाद क्या होगा, चार्जेस फ्लो होंगे, अच्छा चार्जेस फ्लो होने से क्या होगा, चार्जेस फ्लो होने की वजह से कुछ एनर्जी डेवलप हो जाएगी, उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो एनर्जी की वजह से क्या होगा, आपका डिवाइस है ना वो हीटअप होगा, हीटअप मतलब कि उसके अंदर कुछ एनर्जी बन जाएगी, और एनर्जी इतनी ज्यादा बन सकती है कि उसकी वजह से हमारा डिवाइस है वो ब्लास्ट हो सकता है, फूक सकता है, खराब हो सकता है, दैट्स व्हाई हम मान लगाते हैं रेजिस्टेंस। उसकी वजह से क्या होता है कि अगर मान लो वोल्टेज ज्यादा हो भी गई, इन केस वोल्टेज ज्यादा हो भी गई, तो ये जो रेजिस्टेंस है ना ये उसको कम कर देता है, करंट को अपोज कर देता है, ठीक है। दिखता कैसा है, ये ऐसा दिखता है, मैंने बनाया था ना बिल्कुल वैसे दिखता है, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे ऐसे, ठीक है, ये रेजिस्टेंस, इसका जो शेप है वो ऐसे सीधी दिया हुआ है, ये दिखाता है एक रुकावट टाइप, ठीक है, ऐसा माना स्पीड ब्रेकर है ना, मैं तो इसे स्पीड ब्रेकर ही मानता हूँ, ये लाइक स्पीड ब्रेकर है, ऐसे भक्ति की गाड़ी आ रही है तो ये इसे थोड़ा स्लो कर देगा, समझा गया, स्लो कर देगा ताकि किसी और को दिक्कत ना हो, यहाँ पर जो भी डिवाइस वाइस लगा है, मान रहा है डिवाइस लगा है उसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में एकदम से करंट फ्लो ना हो जाए, धीरे धीरे करके करंट फ्लो हो, है ना, जैसे कि पानी का नलका भी खोलते हैं ना, तो पानी का नलका अगर एकदम से खोल दोगे उसके से सर लगा दोगे तो बहुत तेज पानी गिरता है प्रेशर से, तो हमें क्या होता है हम नीचे तक झुक जाते हैं या फिर सर में दर्द होता है, ठीक है। अगर हम धीरे धीरे पानी अगर फ्लो करवाएं और उसके नीचे अगर हम बैठे जैसे कि शावर में होता है तो हमें दिक्कत नहीं होती, तो वही सेम चीज रजिस्टर काम करता है, वो बेसिकली करंट को स्लो फ्लो करने की अनुमति देता है, ठीक है। अच्छा ये बात समझ में आ गई, ओके, तो रेजिस्टेंस तो एक फिजिकल क्वांटिटी होगी, हाँ बिल्कुल, तो इसको नापते कैसे हैं, इसको नापते हैं ओम्स में, ठीक है, तो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ आर इज बेसिकली, क्योंकि ओम नाम के साइंटिस्ट थे उन्होंने ही ये सब करा था, ये लॉ दिया था, दैट्स व्हाई रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है ओम, सही है ओम्स, ठीक है, और बनाते कैसे इसे ऐसे होना, ये सिंपल होता है ओम का, ठीक है, ये सिंपल है ओम का, ओम से इसके एसआई यूनिट, ओके। नाउ रेजिस्टेंस को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू द करंट फ्लोन इन द सर्किट, ठीक है, तो रेजिस्टेंस एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज रेशियो ऑफ वी एंड आर, दिख रहा है ऐसा फॉर्मूले से आ रहा है ना, आई नीचे ले आओ, सही है, ये आ गया सिंपल, अच्छा ये हो गया, ओहो ओके। नेक्स्ट इज कि क्या रेजिस्टेंस जो है वो किसी चीज के ऊपर डिपेंड करता है, किस चीज की वजह से चेंज होता है, कम या ज्यादा होता है, हाँ होता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, ठीक है, फैक्टर्स को अफेक्ट करने वाले मतलब रेजिस्टेंस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स, सही है, अच्छा हम समझेंगे इसको, अच्छा समझेंगे कैसे, जैसे कि मैंने बोला कि रेजिस्टेंस इज स्पीड ब्रेकर टाइप, ठीक है, तो अगर मैं समझूं कि स्पीड ब्रेकर अगर मैं ज्यादा लंबा बना दूं, मतलब मैंने 2 मीटर का स्पीड ब्रेकर बनाया, इतना स्पीड ब्रेकर बनाया, ठीक है, इतना बड़ा ये स्पीड ब्रेकर है, ठीक है, तो यहां से गाड़ी आएगी यहां से जाएगी तो यहां तो उसे दिक्कत होगी चलने में, अगर मान लो मैं इतना बड़ा स्पीड ब्रेकर बना दूं तो रुकावट ज्यादा, समझ में आई बात, रुकावट ज्यादा मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा,
सेम, ठीक है, सेम इन द डिवाइसेस। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, मतलब सॉरी अगर लेंथ ज्यादा होगी कंडक्टर की, अगर लेंथ ज्यादा होगी है ना या फिर रेजिस्टर की, ठीक है, ऐसा मान लो कि जो फैक्टर ऑफ एटम में पहली चीज है वो है लेंथ, ठीक है, एंड रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन द लेंथ। समझ में आया? क्योंकि जैसे जैसे मैं लेंथ बढ़ाते जाता हूँ वैसे वैसे मेरा क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, ठीक है, जैसे जैसे मैं लेंथ बढ़ाते जा रहा हूँ मेरा रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट इज, अगर मैं समझू कि मान लो आप एक लाइन में खड़े हो, आप एक लाइन में खड़े हो है ना, लाइन में आप खड़े हो किसी 52th नंबर पे, 52th नंबर पे है ना, है ना, 52th नंबर पे खड़े हो, आगे आपसे आगे 51 बंदे और हैं, तो आपको अगर एक लाइन में ही चल के जाना है तो यहां से लेकर के काउंटर तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा बंदों को एक लाइन में ही धकेलते हुए आगे जाना पड़ेगा या फिर धक्का मुक्की करके आगे जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से रुकावट डाल रही, तो ये हुआ लेंथ में। अगर मान लो उन्हीं सारे बंदों को मैं एक रूम के अंदर छोड़ दूं, बहुत बड़ा हॉल, ठीक है, एरिया है ना, कुछ एरिया की बात कर रहा हूँ, एक एरिया में फैला दूंगा सारे बंदों को, तो आपको अगर जाना है तो आप बड़े आराम से पहुंच सकते हो वहां तक, ठीक है, तो उससे क्या होगा, अगर एरिया बढ़ा दिया मैंने तो क्या होगा, रेजिस्टेंस मतलब रुकावट कम होगी, समझे मेरी बात, अगर मैंने एरिया घटा दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, एरिया कम करता रहो कम करता रहो कम करता रहो है ना, तो आपको जाने में बड़ी दिक्कत होगी, धक्का मुक्की होगी बहुत ज्यादा, लेकिन अगर मैं एरिया बढ़ा दूंगा तो आपका रुकावट कम रहेगी, रुकावट कम मीन्स रेजिस्टेंस कम रहेगा। इसका मतलब अगर मैं किसी कंडक्टर का एरिया क्रॉस सेक्शन, किसी कंडक्टर का, कंडक्टर कैसे दिखता है, ऐसे दिखता है ना, मान लो वायर, ठीक है, मान लो वायर है, इसका अगर ये क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ये लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ है, अगर लेंथ बढ़ा दूंगा तो रेजिस्टेंस कम बढ़ जाएगा, लेंथ घटा दूंगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, कम होने का मतलब करंट यहां से यहां तक जल्दी पहुंचेगा या यहां से यहां तक धीरे पहुंचेगा, ये है, ठीक है। अच्छा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन मतलब ये वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन है ना, इस सेक्शन का एरिया अगर बड़ा होगा तो चार्जेस कितने ज्यादा जा पाएंगे, जितने ज्यादा चार्जेस जा पाएंगे उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा। सर मैं बात, जितना इस एरिया में कम कर दूंगा, मैं कम कर दूंगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, मतलब चार्जेस कम जा पाएंगे, ठीक है। तो आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल को 1/4 करके लिखते हैं, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अच्छा, ऑन कंबाइनिंग दिस, ठीक है, ऑन कंबाइनिंग दिस, कंबाइनिंग इक्वेशन नंबर 1 बोल लो, 2 बोल लो, कंबाइनिंग बोथ 1 and 2, ठीक है, 1 and 2 को अगर मैं कंबाइन कर दूंगा ना, इक्वेशन कंबाइन करना आता है, नहीं आता तो अभी सीख जाओगे, R is directly proportional to L by A, वही कंबाइन, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल तो हटा नहीं पड़ेगा, ठीक है, हटा लेते हैं, तो यहां से जब मैं हटाता हूँ ना इसे, तो R is equals to आता है rho L by A। Now, what is this rho? Rho देख रहे हो, मैंने सोच बना सामने, तो rho, this is, this reads as rho R H O, rho, ठीक है, और इसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, हाँ, समझते हैं क्या होता है रेजिस्टिविटी। समय बाद इतना सब आया, ये सब होता है। अच्छा, ओम्स लॉ के अंदर एक और बात बताता हूं कि ये सारी चीज, करंट जो है फ्लो होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है, वीके, बहुत अच्छी बात है, बट दिस ऑल इज एप्लीकेबल व्हेन फिजिकल क्वांटिटीज लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट। अगर वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर किसी कंडक्टर का कॉन्स्टेंट है तब ये सब फॉलो होता है, ठीक है। यहां पर लिख भी सकते हो कि प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, वॉल्यूम, एरिया आर रिमेन्स अनचेंज, आर रिमेन्स अनचेंज है ना, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, ये सब हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और रेजिस्टिविटी डिफाइन करते हैं, ठीक है, रेजिस्टिविटी डिफाइन करते हैं। अच्छा, रेजिस्टिविटी से पहले मैं एक और चीज बताता हूँ, है ना, एक और चीज बताता हूँ, एक और चीज क्या बताएंगे, ये बताएंगे, जैसे कि हमने डिफाइन करता था, याद हो, 1 वोल्ट 1 एम्पियर हमने डिफाइन करा था, ठीक है, उसी प्रकार 1 ओम क्या होगा, है ना, अगर आपसे कुछ पूछ ले व्हाट इज 1 ओम, ठीक है, बताओ क्या होता है 1 ओम, ठीक है, बताओ क्या होता है 1 ओम, ठीक है, क्वेश्चन दे दो, तो मैं लिखूंगा
कि वन ओम बेसिकली आप तो समझ गए होंगे कैसे निकालते हैं, है ना। वन ओम इज बेसिकली व्हेन वन वोल्टेज इज वन एम्पीयर करंट इज फ्लोन इन अप्लाई ऑन अप्लाई वन वोल्ट, ठीक है। उस टाइम पे जो आर बनता है मेरा, जो रेजिस्टेंस बनता है मेरा, वो वन ओम होता है, ठीक है। तो वन ओम इज बेसिकली इक्वल्स टू वन वोल्ट पर वन एम्प, एम्प्स मतलब एम्पियर्स। एक एम्पियर में अगर एक वोल्ट करंट फ्लो हो जाए, सॉरी एक वोल्टेज, एक वोल्ट में अगर एक एम्पियर करंट फ्लो हो जाए, तो उस केस में मैं जो रेजिस्टेंस बना उसको बोलूंगा वन ओम रेजिस्टेंस। ओके, इज दैट क्लियर? सिंपल। नाउ अगर हम बात करें अब रेजिस्टिविटी, ठीक है, तो नेक्स्ट अपन है रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी बेसिकली लिखते कैसे हैं, ऐसे लिखते हैं रो, ठीक है, रो, ठीक है, रेजिस्टिविटी रो लिखते हैं। फिर इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे, इसे हम डिफाइन करके दिखाते हैं एक बार। इज डिफाइन एज रेजिस्टिविटी इज डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, अमाउंट ऑफ इज डिफाइन एज द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ एनी मटीरियल, मटीरियल ऑफ वन मीटर व्हेन व्हेन अ करंट, एनी मटीरियल व्हेन अ करंट फ्लोन, व्हेन अ करंट फ्लोन थ्रू द करंट फ्लो थ्रू द अपोजिट साइड ऑफ द क्यूब ऑफ द मटेरियल, बोल लो क्यूब, बोल लो अपोजिट साइड ऑफ द क्यूब परपेंडिकुलर, ठीक है। मतलब एक क्यूब है, किसी मटेरियल का बनाया गया, एक क्यूब बनाओ किसी मटेरियल से, कंडक्टर से, उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट होनी चाहिए 1 मीटर, लेंथ ब्रेथ हाइट होनी चाहिए 1 मीटर, है ना। व्हेन अ करंट फ्लो, है ना, फिर क्या करेंगे, उसका करंट फ्लो करवाएंगे, कैसे फ्लो करवाएंगे, अपोजिट साइड, ठीक है, जिस साइड को मैं रेजिस्टिविटी देख रहा हूं उससे अपोजिट वाली साइड, पीछे वाली साइड मान लो, ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ द क्यूब परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलर करंट फ्लो करवाएंगे, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करंट फ्लो करवाएंगे परपेंडिकुलर, या अगर बॉक्स ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करंट फ्लो समझाए बात, हाँ, this is how resistivity is defined, ठीक है। Now what is the SI unit of resistivity? निकाल लेते हैं। हमें पता है R equals to rho L by A, सही, तो rho कितना आया आपका, rho कितना आया यहाँ से, आएगा R A by L, इसे तो जरूर समझिएगा, ठीक है, ये आएगा rho का formula, अच्छा, SI unit कैसे निकालते हैं, तो SI unit of rho is कितनी होगी, यहां पर ओम, माना ओम इसका मीटर स्क्वायर अपॉन इसका मीटर, है ना, एक ही मीटर स्क्वायर होती है, ऐसे यूनिट लेंथ की मीटर होती है, मीटर से मीटर काट दो, ठीक है, तो क्या बचेगा, ओम मीटर, समझा, तो ऐसे यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। नाउ इसी से एक और चीज होती है जो डिफाइंड होती है, इसी से एक और चीज डिफाइंड होती है, दैट इज कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी पता होना चाहिए, कंडक्टिविटी क्या होता है, कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, ठीक है, हम जनरली इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा, है ना, ये भी एक ग्रीक वर्ड है, जैसे रो एक ग्रीक वर्ड है, वैसे सिग्मा एक ग्रीक वर्ड है, अच्छा, कंडक्टिविटी क्या चीज होती है, इट इज अपोजिट टू द रेजिस्टिविटी, ठीक है, या फिर ऐसे बोलना रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल
of resistivity, ठीक है, resistivity का reciprocal होता है, reciprocal समझते हो, ये, this is conductivity, होता क्या conductivity, conductivity is basically the tendency to conduct the current through any circuit or any component, ठीक है, कोई component या कोई conductor या कोई circuit कितना current flow कर सकता है, उस tendency को बोलते हैं conductivity, resistivity का तो कितना रोक सकता है, conductivity का होता है उसका reciprocal कितना कर सकता है, ठीक है, तो इसकी ऐसा unit क्या होगी, ठीक है, तो ऐसा ही unit of sigma मतलब conductivity is, अब देखो one upon है, तो ohm meter को one upon कर दो, जब one upon करते हैं, तो क्या मिलता है मुझे, ohm meter की जगह ohm meter की power minus one, या फिर per ohm meter ऐसा कोई बोलो, ठीक है, तो ohm meter per ohm meter, समझ में आ, ठीक है, तो ये होता है मेरा conductivity, resistivity and resistance. नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ resistance.